हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ आलिया मेकअप लुक। आलिया जी ने जो मेकअप लुक किया अपने अपने मैरिज के टाइम पर, उस टाइम पर उन्होंने बहुत लाइट, बहुत नेचुरल मेकअप लुक किया है। मैंने आलिया रणवीर कपूर की जब वेडिंग देखी तो आई एम सो हैप्पी गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मेकअप लुक। बिल्कुल नेचुरल दिख रहा था, ओ माई गॉड, एकदम नेचुरल लुक लग रहा था। जरा सा भी कहीं से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने मेकअप किया है। काफ़ी खूबसूरत लुक लग रहा था, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरे दिमाग में ये बात आया, मुझे लगा कि मुझे भी ये मेकअप, पूरी तरह तो मैं नहीं कर पाऊँगी बट मैं कोशिश करूँगी उनकी तरह आलिया इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने की। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले मैंने इसे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के 3-in-1 फेस वॉश, इससे मैंने अपने फेस को फेस वॉश कर लिया है। इसमें तीनों चीज़ मिक्स है, ये क्लींजिंग, स्क्रबिंग एंड वाइटनिंग, ये तीनों चीज़ है इससे। गाइस यकीन करिए, इससे फेस वॉश करने के बाद इसमें दाना दाना बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ा लगता है, वो स्क्रब का काम करता है एंड ये स्किन को वाइटनिंग भी करता है। ये फेस वॉश एक मतलब कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के। इसके पहले भी मैंने इसके दो ट्यूब ख़त्म कर चुके हैं, ख़त्म कर चुकी हूँ मैं दो ट्यूब। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला फेस वॉश ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आया। इसको बस इतना सा निकालना है, निकालने के बाद हल्का सा आपको अपने फेस पर मसाज कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। अब मैं यूज कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, ये रोज़ वाटर 20 केयर का, ये रोज़ वाटर है, 100% प्योर एंड नेचुरल है ये रोज़ वाटर, काफ़ी अच्छा वाला रोज़ वाटर है। इसका 1 cc मैंने ख़त्म कर चुकी हूँ मैं एंड ये दूसरा अभी मैंने पैक खोला है, ये दूसरा एक बॉटल इसके पहले ही मैंने ख़त्म, मैंने अपने कई वीडियोस में इसे यूज़ किया है जो कि आप देखी भी होंगे मेरे कई वीडियोस में इसे। ये 20 केयर का है, ये डिहाइड्रेशन को दूर करता है एंड स्किन को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखता है। ये वाला टोनर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने जब इसे शुरू किया यूज करना तो मुझे एक अजीब सा स्मेल लगा, लेकिन फिर बाद में मेरी आदत सी पड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये वाला जो टोनर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों में मैं इसे 2 से 3 टाइम 2 एंड 3 टाइम्स दिन भर में मैं इसे यूज कर लेती हूँ, इसे मेरे स्किन हाइड्रेट रहता है। मैंने अपने बालों को आज ही कलर किया है तो मैं अभी शैम्पू भी नहीं कर पाई हूँ, मैं आज बस कलर किया है मैंने, कल शैम्पू करूँगी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं वीडियो बना रही हूँ रात के टाइम पे और उनका नींद आराम हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, इसके लिए मुझे बहुत सारा ढेर सारा तैयारी करना पड़ रहा है एंड रात के टाइम पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ जो कि इस टाइम पर 12:30 का टाइम बज रहा है। या इसके बाद मैं ये स्विस का मानुका हनी, ये देख सकते, ये वाली मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ये ग्लो बूस्टिंग मॉइस्चराइजर है ये एंड इसमें विटामिन सी ग्रेप सीड ऑयल पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है, मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरे ख़त्म भी होने वाला है। मैंने बायोटिन का भी मॉइस्चराइजर मंगाया था बट मुझे कम पसंद आया बायोटिन का मॉइस्चराइजर, मुझे कुछ खास नहीं लगा। इस तरह से है ये वाला मॉइस्चराइजर, मेरी पूरी फैमिली इसे यूज करती है और मुझे भी अच्छा लगता है ये वाला मॉइस्चराइजर। मैं पर्पल का ये गोल्ड प्राइमर ये यूज करने जा रही हूँ, ये पर्पल का गोल्ड प्राइमर काफ़ी अच्छा है, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला प्राइमर। मेकअप बेस में तैयार करने जा रही हूँ, मेकअप बेस तैयार करने के लिए फाउंडेशन जरूरी, प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, पहले फेस पर मैं अपने प्राइमर लगा लेती हूँ। अब मैं ये वाला फाउंडेशन यूज करूँगी जो मैंने अभी भी मंगवाया है, ये एलेगल का फाउंडेशन है एंड लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, ये काफ़ी अच्छा वाला फाउंडेशन है जो कि मेरे सेट से, मेरे फेस के सेट से मिलता है एंड ये मैक का, ये मैक का स्ट्रोब क्रीम है, ये हाइड्रेंट लुमिनेक्स है, ये आपके सामने जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एंड ये क्रीमी एनर्जाइजेंट है, ये फेस पर ग्लो लाने के लिए ये दोनों को मिक्स करके मैं तब यूज करूँगी। सेक कर लेती हूँ, थोड़ा हिला लेती हूँ। मैंने आलिया का मेकअप लुक देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में बट क्योंकि मैं अपने घर में फंक्शन पड़ा है मेरे यहाँ,
मैरिज एनिवर्सरी है मेरी, तो मैं उसी तैयारी करने में लगी हुई हूँ। मुझसे जितना बना जो बन पाया वो मैंने ऑर्डर किया, मैं चूड़ी वगैरह ऑर्डर नहीं कर पाई हूँ। एंड ड्रेसेस मेरे पास पहले से अवेलेबल थे, वही ड्रेस मैं पहनूंगी, ये दोनों मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे स्किन के सेट से मिलता जुलता सेट है, मेरा जो सेट है वो है न्यूड बेक फाउंडेशन का। मेरा काफ़ी सारे सामान आए हुए हैं, बहुत सारे सामान मेरे पार्सल आए हैं जो कि पड़े हुए, बिखरे पहले पड़े हुए हैं, जो कि देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में, आप लोगों को दिखाई भी देता होगा। ये मेरा बेस तैयार हो गया, अब मैं ये बायोटीन का लिप बाम लगा लूँगी। से लगाकर मैंने छोड़ दिया थोड़ा देर सेट होने के लिए। ये कंसीलर है, वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, क्योंकि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। जहाँ जहाँ यूज है फेस पर वहाँ वहाँ मैं कंसीलर लगा लेती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से जल्दी जल्दी मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। मेरा जो मेकअप लुक है फटाफट है, बहुत कम टाइम में मेकअप लुक है। इसे आप लोग यूज कर सकते हैं, इस मेकअप लुक को आप लोग किसी फंक्शन में, अभी ईद आने वाला है, ईद के टाइम पे भी आप इस मेकअप को देखकर कर सकते हो। ये कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर है, पूरे फेस पर मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। आलिया ने बहुत लाइट मेकअप किया था, बहुत लाइट, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेकअप किया ही नहीं, वो नेचुरल ब्यूटी तो लगी रही थी देखने में, बट उन्होंने इतना लाइट मेकअप किया था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हाइलाइटर और ऐसा कुछ उन्होंने कुछ लगाया ही नहीं, बस ये लग रहा था कि हल्का सा उन्होंने ब्लश लगाया फिर फेस पर अप्लाई किया है। वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो किट में लगाने जा रही हूँ। वैसे तो आलिया जी के मेकअप ये आईब्रो पहले से ही फिट रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आईब्रोज को नहीं क्लीन किया है, मतलब उनका नेचुरली देखने में ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी अच्छा उनका आईब्रो। फिर भी मैं हल्का हल्का इसको फिल कर लेती हूँ। मैं ब्लैक एंड ब्राउन दोनों को मिक्स करके तब लगा रही हूँ। हाँ ओवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें कॉटन लेके साफ कर लूँगी। मैंने अपना मेकअप रिवोल्यूशन का ये आई पैलेट है, ये देख सकते हो आप, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया, बहुत अच्छा वाला पैलेट है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। इस पैलेट को मैंने मंगवाया, मैंने इसे एक या दो बार यूज किया है और आज मैं आपके सामने ये तीसरी बार यूज करने जा रही हूँ। ये पिगमेंटेड इंटेंसली पिगमेंटेड फॉयल शैडो पैलेट है ये।
इसमें मैं लगाऊंगी ये वाला सेट लगाऊंगी, ये लाइट सेट। आलिया को दिक्कत तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने आई शेडो पैलेट लगाया, भी बहुत लाइट लगाया उन्होंने, काफ़ी हल्का लगाया है। मैं भी उन्हीं की तरह क्रिएशन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें एक कलर ये वाला डालूंगी, ये वाला, ये लाइट पिंकिश टाइप में है ये वाला कलर। उसे देखो ठीक लगाना आई पैलेट। कुकी का काजल है, इसके ढक्कन नहीं लगे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सूख गया है। एंड इसमें अब ये जो ये लाइट पिंक कलर है ये एंड ये दोनों का मिक्सचर करके मैं लोअर आईलिड पे अप्लाई करूँगी। मैबेलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा है, मस्कारा तो उन्होंने लगाया है, आली जी ने मस्कारा जरूर लगाया है। आलिया जी का मस्कारा काफी खूबसूरत लग रहा है, उन्होंने ना कोई आई लैसेस लगाया है। एंड गाइस ये मेबलिन का इल्यूमिनेटर मेटालिक हाइलाइटर है ये। एंड जो मेरा शेड है वो मैं आपको बता दूंगी मेरा कौन सा शेड है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। आलिया जी को देख कर तो नहीं लगता है कि उन्होंने हाइलाइटर लगाया भी। मिलानी का ये ब्लश है गाइस, इसे भी अप्लाई कर लेते हैं। आलिया ने जो ब्लश का जो शेड लगाया है वो काफ़ी प्यारा शेड है, बिल्कुल लाइट पिंकिश कलर है, बहुत ही अच्छा शेड लग रहा है। ये वेलवेट फिनिश लिक्विड लिपस्टिक है, इसका कलर काफ़ी प्यारा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मैंने मिंट्रा से मैंने ऑर्डर किया है, बट इसका ये उन्होंने डैमेज पीस भेज दिया है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल डैमेज पीस है ये। इसलिए मैं दूसरे लिपस्टिक का ये लीड निकाल कर और इसमें यूज कर रही हूँ।
शुगर का कॉन्टूर है, कॉन्टूर भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, बिल्कुल लाइट मेकअप है गाइस। एंड ये मेकअप सेटिंग स्प्रे से मेकअप सेटिंग स्प्रे कर लूँगी, जो भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है उसे मैं साफ करूँगी। एंड ये जो ज्वेलरी मैंने पहन रखी है, इसे मैंने अमेजोन पे से ऑर्डर किया है। मैं काफ़ी पहले से ऑर्डर करके रखी थी, 5-6 महीने पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा ये ज्वेलरी पसंद आ गई थी, इसलिए मैं इसे पहले से ही ऑर्डर करके रखी थी। मुझे नहीं पता था कि मतलब आज आलिया मेकअप लुक में, मतलब ये मेरा रिक्रिएशन में यूज आ जाएगा ये। एंड ये ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें काफ़ी शाइनिंग है, बहुत ग्लो है, पूरा कुंदन वर्क किया गया है, पूरे जो नग के वर्क किए गए हैं इसमें बहुत सुंदर वर्क किया गया है। एंड इसमें लॉन्ग नेकलेस भी दिया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, बट वेटेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटेड है ये। मैं इस छोटी सी बिंदी लगा लूँगी, एंड इसके साथ ये माथा पट्टी का भी सेट है, माथा पट्टी में लगा लेती हूँ। चूड़ी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ गाइस, ये चूड़ा मैंने न्यू ऑर्डर नहीं किया है, मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे चूड़ा। आलिया ने तो पूरे कुंदन वर्क किए हुए उन्होंने चूड़ा पहन रखा है, जो कि वाइट कलर में लेते हुए ज़्यादातर उनका वाइट कलर है, बट मेरे पास वैसे इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑर्डर करती। मेरे पास साड़ी भी मेरी पहले की पड़ी हुई थी, वही मैंने मेकअप लुक किया है इसी साड़ी को पहनकर। एंड ये जो चूड़ा है ये भी मेरा पहले का पड़ा हुआ था, मैंने अभी नया कुछ ऑर्डर करने के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैंने ऑर्डर करती, फिर उसके बाद मेकअप लुक करती मैं। आलिया के बाल वेव्स पहले से ही हैं, वो तो नेचुरल वेव्स होंगे, एंड मैंने ये हल्का कर्ल किया है, लाइट मेरी कट गई है सॉरी, इसलिए मैं ज़्यादा कर्ल नहीं कर पा रही अपने बालों को, क्योंकि अभी मेरे घर के सामने ट्रांसफार्मर है जो कि धड़ाम धड़ाम 3-4 बार बोल चुका है, मुझे मुश्किल लग रहा है, लाइट आने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, यू नो आप समझ सकते हैं। आधी रात को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम तक लेट तक मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए भी मुझे जगाना है उस 4 बजे भोर में, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट मेकअप लुक आपके सामने क्रिएट किया है। तो गाइस ये है मेरा कंप्लीट मेकअप लुक। आलिया मेकअप लुक मेरा कैसा लगा? मैंने पूरी कोशिश की है रिक्रिएशन करने की उनकी तरह, बिल्कुल आप देख सकते हो बाल भी मेरे बिल्कुल हल्के कल हो पाए हैं, ज़्यादा कल नहीं हो पाए हैं बाल मेरे। मैंने माथा पट्टी भी लगा लिया है एंड छोटी सी बिंदी मैंने लगाई है। तो मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आपको।